कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, जैसे शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, लैला मजनू और शहनाज और सिद्धार्थ। आपने सही सुना, सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो हमारे दिलों पर अपनी छाप छोड़ती है, जिसे हम अपने सिद्धार्थ और शहनाज को कभी नहीं भूल पाएंगे और ये हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए कहती हैं कि सिद्धार्थ मेरी यादों में है, वे एक अच्छे इंसान ही नहीं थे, वे एक बेहतरीन प्रेमी भी थे, एक अच्छे दोस्त भी थे, वे वेल विशर भी थे, केयर टेकर भी थे, मोटिवेटर भी थे, वे मेरे लिए सब कुछ थे, वे मेरी पूरी दुनिया थे। शहनाज गिल ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला पूरी दुनिया से लड़कर मुझे बॉलीवुड में ले आए और उन्होंने मुझे अपने घर पर रखा। वे मेरे सुख दुख के साथी थे और वे हमेशा मुझे गिफ्ट देते रहते थे। वे मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे गिफ्ट देते थे और पिछले ही टाइम उन्होंने मुझे जो बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, वे तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई। इसके अलावा शहनाज गिल ने अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला मुझे प्यार से मोटी, शहनाज और चांदनी कहा करते थे। चांदनी के पीछे का राज ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला को चांदनी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वे श्रीदेवी के फैन भी थे, इसीलिए वे लगातार शहनाज गिल को प्यार से चांदनी कहते हैं। शहनाज कहती है, अब ये मुझे कौन कहेगा, और इस बात से शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो जाती है। सिद्ध को याद करते हुए रोते हुए शहनाज गिल कहती है कि सिद्धार्थ के बिना जीना कितना कठिन है और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है, ऐसी कोई भी रात नहीं बीती है जब मैं सिद्ध को याद करते हुए नहीं सोई हूँ, और सिद्धार्थ के बिना ऐसा फील होता है जैसे मेरी ज़िंदगी ही नहीं है और सब कुछ सुना हो चुका है। हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, ये सारी बातें शहनाज गिल ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर की थी और शहनाज ने सिद्ध को याद करते हुए कहा था। आपको क्या लगता है कि क्या शहनाज गिल सिद्धार्थ को भूल पाएगी? क्या शहनाज गिल सिद्धार्थ के बिना जी पाएगी? अगर सिद्ध जिंदा होते तो क्या शहनाज गिल से शादी करते? और आपको ये जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।